संयुक्त नेपाली केंद्रीय सेवा संघ द्वारा कोलकाता के आउट्रम घाट बाबूघाट पर गंगा सागर तीर्थयात्रियों के लिए फ्री स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर इन काउंसिल राम प्यारे राम ने किया। इस मौके पर केशव अधिकारी क्षेत्रीय आयोजक कमेटी के अध्यक्ष उपस्थित थे। धर्म के नाम पर, एक आस्था के नाम पर, लेकिन उनके लिए कर्तव्य करना ये पूरे कैंप वालों का होता है। लेकिन ये जो नेपाली सेवा संघ है, ये तो नेपाली सेवा संघ ये अपना दायित्व से जितने भी इनका मेडिकल में जो कोई भी, केवल नेपाली नहीं, हर प्रदेश के लोग, हर भाषा के लोग जो यहाँ आते हैं, इनके पास एक पेशेंट या एक रोगी हो, ये सब कोई के लिए अपना कर्तव्य करते हैं, अच्छे करके भेज देते हैं। और ठीक यही चीज़ है कि आज आस्था के ऊपर लोग आते हैं तो उसमें साथ देना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ इतने प्रकार के विचार तकलीफ में भोगने में दुख में लेकर आते हैं धर्म के नाम पर, एक आस्था के नाम पर, लेकिन उनके लिए कर्तव्य करना ये पूरे कैंप वालों का होता है। लेकिन ये जो नेपाली सेवा संघ है, ये तो नेपाली सेवा संघ ये अपना दायित्व से जितने भी इनका मेडिकल में जो कोई भी, केवल नेपाली नहीं, हर प्रदेश के लोग, हर भाषा के लोग जो यहाँ आते हैं, इनके पास एक पेशेंट या एक रोगी हो, ये सब कोई के लिए अपना कर्तव्य करते हैं, अच्छे करके भेज देते हैं। और ठीक यही चीज़ है कि आज आस्था के ऊपर लोग आते हैं तो उसमें साथ देना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। के सब अधिकारी क्षेत्रीय, मैं आयोजक कमेटी के अध्यक्ष हूँ और मेरा संस्था के नाम संयुक्त नेपाली केंद्रीय सेवा संघ है। 31 बरस चल रहा है, हम लोग सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा मेडिकल कैंप है। हम लोग यहाँ पर नेपाली कैंप बोला जाता है इसको, मगर ये नेपाली कैंप नहीं है, ये सब जाति के लिए ही कैंप है। यह सब जाति का ही पेशेंट का इलाज होता है। ये जैसे रांची से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, पंजाब से जितने भी पेशेंट आते हैं।